नमस्कार साथियों, मैं संकल्प शर्मा विदिशा मध्य प्रदेश से नर्मदा प्राकृतिक फार्म के यूट्यूब चैनल नेचुरल फार्मिंग में डीजी पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। मेरे पीछे आप जो तालाब देख रहे हैं, ये हमारा एक एकड़ का हमने तालाब यहां बनाया हुआ है और ये है हमारा पानी का मेन सोर्स। हमारा पानी का जो एक मुख्य जो स्रोत है वो यही है और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जो एक प्राकृतिक जो इसमें झर होती है, जो नेचुरल स्ट्रीम्स होती हैं पानी की, वो इसमें ऑलरेडी हैं। साथियों, यहाँ हमने पूरे हमारा जो खेत का जो पानी है वो हम यहाँ डाइवर्ट करके लाते हैं। दूर शायद आपको एक पाइप दिख रहा होगा, आई एम नॉट श्योर कि इस वीडियो में आपको कितना क्लियरली दिख रहा है। वहाँ दूर एक पाइप है उस कॉर्नर पे, वहाँ पूरा पानी जो खेत का है डाइवर्ट होकर इस पाइप के माध्यम से इस पूरे तालाब में आता है। और ये ऐसा मैंने बताया, एक एकड़ लगभग एक एकड़ का ये है, थोड़ा सा कमी होगा एक एकड़ में। और इसमें इसकी जो गहराई है वो करीब 50 से लेकर 60 फीट तक की इसकी गहराई, हमने कभी इतना नाप के नहीं देखा है, बट जो एक अंदाज से मैं आपको बता रहा हूँ 50 से लेकर 60 फीट 50-60 फीट इसकी डेप्थ है। और गर्मियों तक इसमें पानी रहता है, इतना तो नहीं रहता जितना भी आपको दिख रहा है ऑब्वियसली, बट गर्मियों में जो एक हमारे यहाँ 10 घंटे की लाइट आती है तो करीब 6 घंटे से 7 घंटे हमारा इसमें जो पंप है, इसमें जो मोटर है वो चल जाती है। तो इसके बिना मैं अपनी खेती बिल्कुल भी इमेजिन नहीं कर सकता था। हमने इसमें कोशिश की है कि इसकी पूरी चारों मेड़ पर हमने इसमें प्लांटेशन किया है, नीम लगाया है, बांस लगाई है। दूर आपको लेफ्ट साइड में अगर आप देख पा रहे हैं, वहाँ हमने इस साल थोड़ा जो वेटीवर है उसका भी प्लांटेशन हमने इसमें किया है, सो दैट बारिश का जो पानी से उसका जो कटाव है, इसका जो मेड़, इसकी जो बाउंड्री है वो उसका कटाव ना हो, उस कारण से हमने इसमें वेटीवर लगाया है। बिकॉज वेटीवर एक बहुत अच्छा एक ऑप्शन है, अगर आपके यहाँ पानी का कटाव है, मिट्टी आपकी कटती है, बह के जाती है पानी में, तो आप वेटीवर लगा सकते हैं। वेटीवर लगाने से वहाँ की मिट्टी जो है वो कटती नहीं है। कुछ जगह हमने राइट साइड में जो आप देख रहे हैं, हमने कई सारे प्लांट्स के हमने प्लांटेशन इसमें किए हुए हैं, नीम लगाया है, बांस लगाया है। और एक बहुत अच्छे एक हमारे पास ऑप्शन है पानी का, और जैसे मैंने बताया इसके बिना हमारी खेती बिल्कुल संभव नहीं है, बिकॉज़ हमारे एरिया में पानी की बहुत कमी है। बहुत मुश्किल से अगर आप कोई बोरवेल कराते भी हैं तो उसमें पानी हार्डली कुछ पानी निकलता है। तो इसी कारणवश हमने ये पूरा एक तालाब हमने यहाँ बनवाया था। और जैसा मैंने बताया कि इसमें नीचे कोई पॉलीथीन हमने नहीं बिछा के रखी हुई है, नीचे गहरे इसमें काले पत्थर भी निकल के आ चुके हैं। और जो नेचुरल स्ट्रीम होती है, पानी की जो झेर होती है, वो उससे ये पानी का इसमें टॉपअप होता रहता है। तो आप देख सकते हैं पानी इस समय भी जो आपको साफ पानी जो दिख रहा है वो कहीं ना कहीं उसका भी एक रीज़न है कि नीचे की जो नेचुरल झेरें वो इसमें आ रही हैं। तो ये एक छोटा सा एक वीडियो था जहाँ मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि हमारा जो पानी का स्रोत है, वाटर हार्वेस्टिंग का जो हमने एक सिस्टम यहाँ बना के रखा हुआ है उसके बारे में भी आपसे बात करनी थी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग है बेसिकली ये। तो इस तरह के छोटे से अगर आपका आप चाहें तो उसको छोटे से स्तर पे भी अपने खेत में कर सकते हैं। जो भी आपका एक खेत का कॉर्नर है जहाँ पानी आपका बह के आता है, वहाँ आप ये इस तरह का जो वाटर सिस्टम है वो आप डिज़ाइन कर सकते हैं। उम्मीद है साथियों ये छोटा सा एक वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी नोट पे मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।